इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएफसी के कॉस्ट के बारे में और जीएफसी के पेन के बारे में। लेकिन उससे पहले तो मन में सवाल उठ रहा हूँ कि जीएफसी होता क्या है। सो बता दूं मैं आपको जीएफसी क्या होता है, जीएफसी किस तरीके से किया जाता है, और मैंने खुद जीएफसी के दो थेरेपी जो है ऑलरेडी ले चुका हूँ। इसके ऊपर मैंने वीडियोज बनाकर अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को देख सकते हो। ये कुछ वीडियोज की लिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे या फिर चैनल पे ऑलरेडी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। सो इस वीडियो में जीएफसी के बारे में बात नहीं करेंगे। जब भी मैंने वो वीडियोस बनाई थी उस टाइम पर आप लोगों के बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे, बहुत से ऐसे कमेंट थे, इवन पर्सनल व्हाट्सएप पे भी आकर मुझसे पूछा गया है कि सोनू भैया जीएफसी के कॉस्ट के बारे में बताओ, जीएफसी का कितना कॉस्ट बैठता है। सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पे फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड फटाफट बेल आइकन को प्रेस कर दो, इससे आने वाली जो वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सबसे पहले बात करते हैं जीएफसी के पेन के बारे में कि इसमें पेन कितना होता है। एक मोटा मोटी बता देता हूँ, जीएफसी एक हेयर लॉस ट्रीटमेंट है जो कि आपके बालों को ग्रोथ करने में मदद करता है, लेकिन इससे बाल्डनेस दूर नहीं होता। और मैं आज से 2.5 साल पहले कुछ इस तरीके से दिखता था जो कि सर पे बिल्कुल भी बाल नहीं थे, और आज के डेट में मेरे सर पे बाल है तो वो सिर्फ और सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट की बदौलत, क्योंकि मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट आज से 2.5 साल पहले करवाया हुआ था। सो इस वीडियो में कभी भी कोई भी ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो कि मेरे बाल जो है वो जीएफसी के वजह से आए हैं। लेकिन मैं फिर भी जीएफसी इसलिए लेता हूँ कि जो मेरे बाल मेरे पहले से हैं उनको ग्रोथ मिल सके, वो थोड़े से थिन थे तो थोड़े से और थिक हो सके। अब बात करते हैं पेन के बारे में। यहाँ पर एक चीज़ जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है पेन के लिए कि जो जीएफसी थेरेपी जिस इंसुलिन से जिस इंजेक्शन से किया जाता है, सेम इंजेक्शन से भी पीआरपी भी किया जाता है। जितना पेन आपको पीआरपी में होता है उतना ही पेन आपको जीएफसी में भी सहना पड़ेगा। लेकिन मैंने जो अपना जीएफसी करा था वो डर्मा रोलर के साथ में करवाया था, तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो यदि आप लोग कमेंट करोगे तो मैं बना दूंगा डर्मा रोलर विद जीएफसी का कॉस्ट क्या होता है, इसमें कितना पेन होता है। लेकिन सिर्फ इस वीडियो में ओनली जीएफसी के बारे में बात मैं करूंगा। अब पेन बहुत ही नॉर्मल होता है बिकॉज जीएफसी से पहले आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है जो आपके स्कैल्प को नम कर देता है, तो उसमें कहीं भी ऐसा कुछ पेन वेन नहीं होता है। बहुत नॉर्मल, जब आपको एनेस्थीसिया के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं उस टाइम पर थोड़ा बहुत पेन फील हो सकता है, वाइब्रेटर वगैरह यूज़ कर लेते हो तो कोई ऐसा दिक्कत पेन वेन की कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। अब हम बात करते हैं जीएफसी के कॉस्ट के बारे में। जीएफसी का जो कॉस्ट है बेसिकली मार्केट में जब भी आप पता करोगे, इवन मैंने ये पता किया था, तो वो 12,000 से लेके 15,000 रुपये तक था। अब कई सारे ऐसे भी क्लिनिक थे जहाँ मैंने उनसे ऑनलाइन कंसल्ट किया, उनके टेलीकॉलर से, उनके जो भी कस्टमर में जो भी कस्टमर हेल्पलाइन में बैठे हुए बात करने को, तो कोई कोई ऐसे भी क्लिनिक थे जो 25,000 से 30,000 भी डिमांड कर रहे थे पर जीएफसी का। अब देखो मैंने जो अपना जीएफसी करवाया है वो करवाया है 7,000 रुपये में, मतलब 7,000 रुपये में एक जीएफसी। मैंने कहाँ से करवाया है नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिनिक का नंबर एंड क्लिनिक का नेम मैं आपको मेंशन कर दूंगा, डायरेक्टली आप उनसे जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब मार्केट में जो नॉर्मल जो कॉस्ट है वो जो है 12,000 15,000 20,000 25,000 है, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको जो अपने जीएफसी का कॉस्ट पे करना चाहिए वो 10K के आसपास करना चाहिए, मतलब 10,000 रुपये आपको जीएफसी का पेमेंट कर सकते हो, एक ऑन एन एवरेज है और बहुत सही फ्लेक्सिबल जो है अफोर्डेबल प्राइस है जीएफसी के लिए। दूसरी चीज़, मैंने जो अपना जीएफसी करवाया था उसके जो वाइल्स थे वो थे फॉली रिच के, एंड फॉली रिच जो वाइल्स है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। अब जो देखो क्लिनिक वालों ने मुझे सस्ते में क्यों दिया, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है वो भी वहाँ से करवा रहे हैं, उनको भी सेम रेट ही देते हैं, उनका रेट ही वही है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मार्केट में जो रेट है और जो इन्होंने करवाया काफ़ी इन्होंने कम किया था, लेकिन जो प्रोसेस था जो मशीन थी वो बिल्कुल जो है बहुत अच्छी सी थी, तो उसमें मुझे भी कोई भी किसी तरह की परेशानी नहीं आई है और रिजल्ट भी मैंने दिखाया हुआ है, ये वाली वीडियोज़ है आप जाकर रिजल्ट भी देख सकते हो। सो आपको 10K एक जीएफसी का पे करना चाहिए, पेन बहुत नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ नहीं होता। जो जीएफसी का कॉस्ट है वो 10-12,000 नॉर्मल है, एवरेज है मार्केट में, इंडिया के मार्केट में जो चल रहा है वो है, सही है, आपको इतना पे करना चाहिए। आई होप सो कि जीएफसी के कॉस्ट के बारे में, जीएफसी के पेन वर्क के बारे में आपको पता लग पाया हो। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।